नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड टू डिफेंस एंड समवेयर रिलेटेड टू रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। जी हां, ये न्यूज़ है अबाउट पैराविक फील्ड पैक के बारे में। पैराविक फील्ड पैक क्या होता है? देखिए, एक बेंगलुरु बेस्ड वेंचर है, एक स्टार्टअप वेंचर है जिन्होंने प्रोड्यूस किया है अ रग्ड टैक्टिकल बैटरी, जो कि अब ये जो वेंचर है ये प्लान कर रहा है कि इस बैटरी को हम सेल करेंगे टू दी नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और जो फोर्सेस हैं यूरोप में उन्हें, सो दैट दे कैन यूज़ इट फॉर दी डिफेंस पर्पसेस। क्या है इसकी खासियत, इसके बारे में हम जानेंगे। अच्छा, ये जो बेंगलुरु बेस्ड वेंचर है इसका नाम जो है वो है प्राविक या प्रावियाग, आप कह सकते हो इसको, जो भी आपको अपने हिसाब से इसको प्रोनाउंस करना हो, ठीक है। अच्छा, इस वेंचर की खासियत ये है कि इन्होंने एक, ये कह सकते हो कि भारत की पहली टेस्ला बनाई थी, ठीक है, इंडियाज़ ओन टेस्ला। टेस्ला के बारे में आप सभी को पता होगा, तो भारत की पहली टेस्ला का जो क्रेडिट है वो इन्हें जाता है। चलिए फिलहाल हम इस बैटरी के बारे में बात करते हैं और एंड ऑफ द सेशन में हम थोड़ा सा जो इनका प्रोजेक्ट था टेस्ला जैसा प्रोजेक्ट, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये न्यूज़ आई थी हमारी द हिंदू में, ठीक है। इंडियन कंपनी इज़ प्रोड्यूसिंग टैक्टिकल बैटरी फॉर बैटलफील्ड, इसमें मैंने हाईलाइट कर दिया है जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, तो वो आप एक बार नज़र दौड़ा लीजिएगा। और फिलहाल मैं आपको ये पूरी न्यूज़ समझाने की तरफ बढ़ती हूँ। पैराविक या प्रावियाग फील्ड पैक जो है बेसिकली क्या है? तो देखिए, ये एक हैवी ड्यूटी पावर बैंक है। पावर बैंक तो आप में से काफ़ी लोगों ने यूज़ किया होगा, फ़ोन चार्जिंग के लिए या कई बार ट्रैवलिंग के पर्पज़ पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके का ये एक हैवी ड्यूटी पावर बैंक है जो कि पोर्टेबल है और इसका वेट है सिर्फ और सिर्फ 14 किलोग्राम, यानी ये ईजिली मोबाइल भी किया जा सकता है, इसको एक दूसरे जगह पर ले जाया जा सकता है। इसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूटिलिटी, एक बहुत ही बड़े यूज़ के तौर पर जो है इसे देखा जा रहा है टू द डिजिटली कनेक्टेड मॉडर्न मिलिट्री एंड स्पेशल फोर्सेस के रूप में, ठीक है। यानी जो हमारी मिलिट्री है, जो आर्मी है, जो स्पेशल फोर्स पर्सनल हैं, वो इसको यूज़ कर सकते हैं आज की मॉडर्न डे एडवांसेस के रूप में। और ये जो है ऑपरेट की जा सकती है इन दी हाई रिस्क जोन्स वाइल यूजिंग गैजेट्स दैट रिक्वायर कॉन्स्टेंट पावर बैक। आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं, ऐसे गैजेट्स होते हैं जिन्हें कॉन्स्टेंटली बैकअप की ज़रूरत होती है, पावर बैकअप की ज़रूरत होती है, तो ये जो टैक्टिकल बैटरी जो बनाई गई है ये वो काम करेगा। ये इन बैटरीज़ को जो डिज़ाइन किया गया है और इंजीनियर किया गया है वो मैं आपको बता दूँ, वो इंडिजीनियसली है, यानी वो मेड इन इंडिया है। सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि ये मेड इन इंडिया है, तो न सिर्फ ये यूक्रेन रशिया वॉर में यूज़ आएगा बल्कि खुद हमारे देश के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। और इस फील्ड बैग को यूज़ किया जा सकता है टू चार्ज अ मैकबुक 60 times। आप सोचिए, एक बार पूरे बार चार्ज नहीं होता मैकबुक, बट इसको इसके यूज़ से हम मैकबुक को 60 times चार्ज कर सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है इसकी। तो कितना अच्छा और कितना पावरफुल डेवलपमेंट है ये, राइट। सिग्निफिकेंस की तरफ हम पहुंचेंगे, तो देखिए ये जो सप्लाई है ये एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट ला सकती है डिफेंस लैंडस्केप में भारत के, ठीक है। और अगर हम टिपिंग पॉइंट की बात करें, इन द रिवर्सल ऑफ इंडियाज़ हाई टेक्नोलॉजी डिफेंस इंडस्ट्री फ्रॉम यूज़र टू डेवलपर एंड फ्रॉम इम्पोर्टर्स टू एक्सपोर्टर्स के रूप में भी, तो एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा ये कह सकते हो शिफ्ट लाने की काबिलियत है इस पर्टिकुलर इन्वेंशन में। जो ये फील्ड पैक है इसे यूज़ किया जा सकता है टू एनर्जाइज अ मिलिट्री पर्सनल्स फील्ड ड्यूटीज, और ये यूज़ इसलिए भी किया जा सकता है इन ऑर्डर टू डिप्लॉय रिमोट सेंसर्स। आपको पता होगा अलग अलग जगहों पर सेंसर्स लगाए जाते हैं ड्यूरिंग द वॉर, अभी भी ये रशिया यूक्रेन केस में भी हो रहा है, तो उसके डिप्लॉयमेंट के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। और ये एक पावरफुल टैक्टिकल बैटरी जो है इसको हम इस यूज़ में भी ला सकते हैं कि भाई हमें ऑपरेट करना हो अगर लार्जर मिलिट्री इक्विपमेंट्स को, जैसे कि आप वाकिफ होंगे आजकल ड्रोन्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये जो बैकअप है ये हेल्प कर सकता है टू कोऑर्डिनेट टैक्टिकल ऑपरेशंस विच इन्वॉल्व्स मल्टीपल वेपन सिस्टम, तो मल्टीपल वेपन सिस्टम के यूज़ में भी हम इसको ला सकते हैं, ओके। तो ये सिग्निफिकेंस है प्रावियाग का, ओके। तो दोस्तों, ये था हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टैक्टिकल बैटरी। क्या आप मुझे नाम बता सकते हो फर्स्ट इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल की? फटाफट से नाम बताइए अगर आपको पता है तो। और इसकी अगर कुछ खासियत के बारे में, ये है वो इंडियन व्हीकल जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो अगर इसकी कुछ खासियत आपको पता है तो वो भी कॉमेंट करके हमें बताइए। और मैं आपको बता दूँ कि इसे भारत की अपनी पहली टेस्ला कहा जा रहा है,
इलेक्ट्रिक कॉम्बैट व्हीकल के रूप में भी इसे ऐसे इस प्रकार से यूज़ किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है ये सिस्टम, काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली आगे है जो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है प्रेवियाक का, जो बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है बेसिकली। ठीक है, अच्छा एक बहुत खासियत इसकी भी कहा जा रहा है कि टेस्ला से कहीं ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस भी इसकी है। कैसे है कमेंट करके ज़रा फटाक से वीडियो पॉज करके हमें बताइए, हम भी जाने आप कितने अपडेटेड हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का सेशन, आई होप आपको समझ आया होगा द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस टैक्टिकल बैटरी विच इज़ गोइंग टू बी यूज्ड बाई द नाटो एंड अदर यूरोपियन फोर्सेज इन द रशिया यूक्रेन वॉर।